नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त है आज की बड़ी खबरों का, जिनसे होता है आपका सीधा सरोकार। आज हम बात करेंगे सबसे पहले यूपी पुलिस के ऑपरेशन मिशन क्लीन की। लखनऊ और नोएडा साथ ही बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में करीबन 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दूसरी खबर जहरीली शराब को लेकर है, जहां प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। बांदा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। पारिवारिक विवाद में धारदार हथियार से सिपाही, उसकी बहन और उसकी माँ की हत्या कर दी गई। तो वहीं लखनऊ में सपा एमएलसी के फ्लैट में गोली लगने से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये बड़ी खबरें जिनसे आपका सीधा सरोकार है और आज हम इन चारों खबरों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहली खबर यूपी पुलिस के एक्शन मोड की है, जहां लखनऊ, नोएडा और बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली और मुठभेड़ में तकरीबन 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ये 3 तस्वीरें देखिए, ये 3 तस्वीरें लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और बागपत की हैं, जहां बदमाशों के साथ पहले मुठभेड़ हुई और उसके बाद बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। यहां पर बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। यह बड़ी जानकारी है जिससे हम आपको रूबरू भी करा रहे हैं और साथ ही आपको बताएं कि ऑपरेशन क्लीन जो है वो लगातार यूपी पुलिस का जारी है। बदमाशों की धरपकड़ जो है वो दरअसल यूपी पुलिस की जारी है। लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, बागपत से ये बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तमाम जानकारी के साथ रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख मैं करूंगी, आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से अगली खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान सिपाही करणपाल सिंह घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। बदमाशों पर कई जिलों में केस भी दर्ज हैं और कई आपराधिक मामलों में संलिप्त है पहले से ही ये बदमाश। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ देखने को मिली है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ देखने को मिली। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है और ट्रैक्टर और 2 तमंचा बदमाशों के पास बरामद किए गए हैं। 5 दिन बाद भी बदमाशों ने बंधक बनाकर लूट की थी। ईस्टर्न पेरिफेरल रोडवे का ये पूरा मामला जो बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीरें देखिए, ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं। बदमाश घायल है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे का ये पूरा मामला, ट्रैक्टर और 2 तमंचे बदमाशों के पास से बरामद किए गए हैं। ये वो तमंचे देखिए। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, 2 बदमाश घायल हुए हैं और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं इस पूरी मुठभेड़ पर डीसीपी राजेश कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। भट्टे से 2 ट्रैक्टर लूट लिए गए थे, चौकीदार को बंधक बना करके मारपीट की गई थी उसके साथ में। ये पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग लक्ष्य था। आज मैचा बाईपास अंडरपास के पास जो है एसओजी और दादरी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 2 बदमाश के पैर में गोली लगी है। 1 बदमाश इमरान और पकड़ा गया है। इमरान पहले भी बुलंदशहर की पुलिस से मुठभेड़ में घायल हो चुका है। इनसे लूटा गया है सर ट्रैक्टर, 2 तमंचे, ढेर सारे कारतूस, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। शातिर अपराधी हैं, मूलतः ये मेवात क्षेत्र के हैं और बुलंदशहर में आकर के काफ़ी दिनों पहले बस गए हैं। इसमें शाहरुख, अकील, इमरान 3 शातिर अपराधी हैं। इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दादरी पुलिस और एसओजी बधाई के पात्र हैं। लूटा गया आइसर बरामद हुआ है। 1 ट्रैक्टर शेष है, जिसकी शीघ्र ही हम बरामदगी कर लेंगे। हम लोग उसके लिए पूर्णतया